चैलेंज करता हूँ 17 साल का, बता दिए कहीं किसी को नुकसान हुआ, किसी समाज को नुकसान हुआ। बीजेपी को जब हम लोग कदम रखे, हमारा गठबंधन परिवार कदम रखा, तभी से हम पीछे पड़ गए। सिर्फ मकसद है देश पे हम काबिज रहें, देश बर्बाद हो जाए, जनता बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं है। इससे सब लोग संतुष्ट नहीं हो सकता है, आप ही जानते हैं। काम बोल रहा है नेता, काम की वजह से पूरा बिहार पूरे देश में अलग एक मैसेज देता है, जो आप भी जानते हैं। जनता तो काम चाहती है ना, विकास चाहता है आदमी, जाने की जरूरत नहीं है। वो आदमी कहाँ से ड्रिंक हो रहा है, क्या करना चाहता है, ये सब समझ चुका है। धीरे धीरे सब समझ कर उनको एग्रो कर देगा, भगा देगा। और आपको बताना चाहूँगा, कुर्नी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ देखिए, कोई भी चुनाव लड़ता है तो 1000-2000 तो काट ही लेता है, लेकिन हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं नेता का काम की वजह से, काम बोल रहा है, मागण परिवार की वजह से। और बीजेपी का जो व्यवहार है, जो काम करने का तौर तरीका है, जो देश के साथ, प्रदेश के साथ जो उनका निशाना बर्बादी का है, सब जनता समझ रही है। और हम लोग चुनाव अच्छे और चुनाव जीते। बीजेपी तो ये कह रही है कि वो आपके एजेंट, छोड़िए ना, उनकी क्या ही नाम लेते हैं, आप नहीं उनके बारे में जानते हैं भाई। बीजेपी कहाँ अपना नाम ले रहे हैं, तो बीजेपी तो जब हम लोग कदम रखे, हमारा गठबंधन परिवार कदम रखा, तभी से हम पीछे पड़ गए। अरे विकास की बात करें ना, विकास दिखा हमें नहीं हो रहा तो बताएं विकास करें हम, वाइना होते हैं ये सब, क्या फालतू बोलते रहते हैं, वो सब जानता है। उनका सिर्फ मकसद है देश पे हम काबिज रहें, देश बर्बाद हो जाए, जनता बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं है। इसके पास सबूत क्या हो सकता है, जिस प्रदेश में सरकार नहीं है वहाँ हम गरीबों का अरबों अरबों रुपया फेंक देते हैं अपना लाने के लिए, अपने आप को लाने के लिए। वहाँ जो जो हम चुनाव जीतते हैं, जो खरीदने लगते हैं, सब जानते हैं उनके बारे में क्या बोलना, उनके बारे में बोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि देश के निश्चित तौर पर विरोधी हैं। देश को से मतलब नहीं है, जनता से मतलब है। कैंप करेंगे आप लोग? एकदम कैंप, क्या मैं कार्यकर्ता हूँ, एक पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, हम सब लोग लगे हुए हैं। और हमारे नेता का काम बोल रहा है, नेता काम की वजह से पूरा बिहार पूरे देश में अलग एक मैसेज देता है, जो आप भी जानते हैं। लेकिन अनिल सहनी के तरफ से भी नाराजगी की बात आई, और AIMIM का है अल्पसंख्यक वोट कट, देखिए सब लोग संतुष्ट नहीं हो सकता है, आप भी जानते हैं। परिवार में 5 बजे संतुष्ट क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? कुछ नहीं रणनीति, काम बोलता है, काम हुआ है, काम नहीं हुआ आप ही ईमानदारी से बता दीजिए। आज नीतीश कुमार जी काम हुआ है, काम बोल रहा है, काम की वजह से वोट मिलेगा, मिला ही है। अगर जनता नहीं चाहती है काम तो अलग बात है, जनता तो काम चाहती है ना, विकास चाहता है आदमी ना, भाईचारा मोहब्बत चाहता है ना। बिहार के अंदर बता दीजिए, मैं तो चैलेंज करता हूँ 17 साल का, बता दिए कहीं किसी को नुकसान हुआ, किसी समाज को नुकसान हुआ, क्या मेरा मुसलमान भाई हो, किसी समाज का मेरा भाई हो, बता दे। वो तो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। तो संख्या का वोट मिलेगा आप लोगों का? एकदम मिलेगा, 99 मिलेगा। जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो आदमी कहीं एजेंटी काम कर रहा है, बड़े पैमाने पैसा रो लेता है, देश को बर्बाद करना चाहता है, प्रदेश को बर्बाद करना चाहता है, उससे धीरे धीरे सब होशियार हो चुका है। लेकिन अनिल सहनी ने आज महापंचायत बुलाई है, अगर भाजपा को समर्थन देते हैं तो कितना लॉस होगा? कोई लॉस नहीं होगा भाई, जानते कि कोई हो, हम हैं, मान लीजिए हम अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ पर कोई बात करते हैं, जनता समझती है, यहाँ प्रदेश का बात है। आज नीतीश कुमार जी ने कभी स्वार्थ की बात नहीं किया, सबको लेकर चलने की बात की, जनता नहीं देख रही है। या कोई हो जिसका अपना नाम ले रहे, कोई भी ऐसा हो, अगर ऐसा करता है तो उनका अपना स्वार्थ है, तो कैसे स्वार्थ की बात पूरा हो जाएगा भाई? या पार्टी में काम करो, आगे निर्णय हो गया, अब चाहे हम भी लड़ने नहीं होगा, फिर आगे आएगा समय आएगा, फिर चुनाव होगा, ये आ ही रहे हैं सब लोग, सबको भागीदारी यहाँ होती है। मुख्यमंत्री का और तेजस्वी यादव का क्या ज्वाइंट सभा होने वाला है उसमें? अभी तो आप बड़े नेता लोग हैं, वो लोग समझेंगे बात की बात। मैं कार्यकर्ता हूँ, रात दिन हम लगेंगे और पार्टी का हम लोग काम करते हैं, वो लोग भी जेबे जाएंगे ही, और उनकी बात है, उनका चय नहीं हुआ इसका, हम लोग नहीं जानकारी, इतना बड़ा थोड़ा हम नेता की जानकारी होगी भाई, हम लोग कार्यकर्ता बताइए।